हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेटलर्जी, द सेम टॉपिक वी हैव स्टडीड अर्लियर। इन दैट टॉपिक, इन दैट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मेटलर्जी। नाउ वी विल डू द एक्सट्रैक्शन, एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। ओके, सो हियर अगेन वी विल रिपीट। This metallurgy involves some various processes, that is first, second and third steps. Okay, so these first step, second and third. In first step we will do what? Yes, what you have you revised the means, have you learned all these steps or methods? So this first is enrichment of ore. Okay, then extraction, here the main extraction, and then refining. Okay, so in extraction there are several method we have studied about, hai na, metallic separation, hydraulic washing or chemical separation. So that is what we have studied. Now the main important is the extraction, and that is what we have studied in three part: for low reactivity, moderate and high. Okay, so now we will start the topic here from second step, that is what, the extraction of metal from their ore. Okay, so the first heading is our low, the metal which are low in their reactivity series, low in the reactivity series. So let's suppose, for example, copper and mercury. Let's suppose these are in the low, है ना, reactivity series में low है, सबसे नीचे है. So the first here we will study about the A is low in. So here we have studied that the metals which are low in the reactivity series, they are extracted from their ore by the process of heating. Okay, so if this sulfide ore, let's suppose means हमने पढ़ा था वहां पर step था कि extraction of metal, तो हम क्या करते हैं उसमें metal जो ore होता है उसका roasting करते हैं. Roasting पढ़ा था आपने, heating with in the presence of oxygen. Yeah, good. So here it is Cu and Hg. Okay, so the ore of the copper, for copper we are studying CuS. Okay, so when it is heating in the presence of oxygen, so this process is called roasting. Have you studied this? Roasting. Okay, so when we will get here, if it is 2CuS3, and then we will get Cu2 O, copper oxide plus sulfur oxide. Okay, when this copper cuprous oxide again heating reduction, मतलब ये क्या हो गया, अभी roasting हो गई, ठीक है. और हमने पढ़ा था कि extraction of metal में जब roasting हो या calcination हो, ये सब हम क्यों करते हैं कि ore को हम metal oxide में convert कर लें. या अब ये metal oxide convert हो गया. फिर हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड की क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है ना. सो द एलिमेंट विच आर इन लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उनका रिडक्शन इट्सेल्फ हो जाता है बाय हीट, ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है. तो कैसे हो रहा है, देखिए, कॉपर ऑक्साइड Cu2O अगेन ऑन फर्दर रिएक्ट विद Cu2S, मतलब ये और ये वाली और तो इसके अंदर रहेगी ना, है ना. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड, एंड वेन अगेन दिस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद दिस कॉपर सल्फाइड. ओके, कॉपर ग्लांस, दैट इज व्हाट, क्या ये एक और है कॉपर की, कॉपर ग्लांस. ओके, सो दिस 6 Cu + 2 SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी. और इसको देखिए मैच कर लेते हैं, अब देखिए S2O2O2. ओके, और हियर इट इज वी आर पुटिंग, ओके, दिस 6 Cu2 और 2 4.
ठीक है, ये टू नहीं है, डन, ओके, इट इज नाउ बैलेंस, ओके. सो दिस इज व्हाट द मेटल वी गेट. ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. द मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज मर्करी, और मर्करी का और क्या है, HgS, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिनाबार. ओके, सिनाबार बोलते हैं, ठीक है. अब हमें और देख के पता चल गया कि इट इज सल्फाइड ओर, ठीक है. सो वेन एवर इट इज सल्फाइड ओर वी हैव टू परफॉर्म द रोस्टिंग. तो सल्फाइड ओर है, क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किएंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. कितनी बात समझ में आ गई, ये तो पढ़ा है ना, बस करके देख ले रहे हैं. सो वेन इट इज टू बी डन, सो हियर वी विल गेट HgO और N+SO2. अब इसको बैलेंस करना है, सो हियर इट इज O3 एंड वन सिंगल O, वी विल पुट टू हियर, थ्री एंड देन टू और एंड टू. सो नाउ इट इज बैलेंस. सो हियर वी विल गेट मर्करी ऑक्साइड, सो मर्करी ऑक्साइड टू बी कन्वर्ट इन टू मर्करी रिडक्शन. सो हियर दिस इज ऑल्सो अ लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो फिर से रिडक्शन भी इट सेल्फ ही हो रहा है, वही हो रहा है. फिर रिडक्शन हो जाएगा HgO ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन फर्दर हीट इट विल डिकम्पोज इन टू Hg+O2 एंड हियर वी हैव टू पुट टू Hg. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, समझ आ गई बात. सेम स्टेप पढ़े थे, बस उनको आप करके देख लिया. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट फेज, द मेटल विच आर मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, सो द मेटल विद मॉडरेट यही पढ़ा था, मेटल विद मॉडरेट रिएक्टिविटी. ठीक है, सो यहां हमने पढ़े थे कि जो जो मेटल होते हैं, जो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, एक तो लो हो गए, एक ये मिडिल हो गए और ये टॉप पे हो गए. तो ये जो मिडिल वाले मेटल हैं वो कैसे, उनकी जो ओर्स होते हैं, दे आर फाउंड इन दी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड, मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट्स. तो या तो वो सल्फाइड और होती है या फिर कार्बोनेट और होती है, समझ में आई. सल्फाइड और होगी या फिर कार्बोनेट और होगी, यही पढ़ा था हमने. ओके, तो अगर सल्फाइड और होती है तो अभी हम सीख के आए ही हैं, अगर सल्फाइड और होती है तो क्या करते हैं, रोस्टिंग. ठीक है, यही पढ़ा है. देन अब सल्फाइड और होती है तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट और होती है तो कैल्सिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अवर ओर विच इज सल्फाइड. तो जिंक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द मेटल मॉडरेट रिएक्टिविटी, और यहां हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिंक. ओके, तो जिंक, व्हेन वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ जिंक, जिंक ऑल्सो हैव टू टाइप ऑफ ओर हियर, फॉर एग्जाम्पल जिंक. ओके, तो जिंक की एक ओर है जिंक सल्फाइड और एक ओर होता है जिंक कार्बोनेट. समझ आई बात. ओके, तो जिंक सल्फाइड इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड, जिंक कार्बोनेट इज कैलामाइन. ओके, और ये क्या है, ब्लेंड. ठीक है, अब क्या होगा, जिंक सल्फाइड है तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, रोस्टिंग. तो कर लेते हैं ZnS, फिर से O2 हीट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO+SO2. बैलेंस कर लेंगे तो इधर आ जाएगा टू फ्री टू टू. नाउ वी हैव जिंक ऑक्साइड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां, और कार्बोनेट ओर. ओके, फॉर कार्बोनेट ओर वी विल परफॉर्म अ प्रोसेस कॉल्ड कैल्सीनेशन, यही पढ़ा था.
तो ठीक है, देख लेते हैं. ZnCO3 हीटिंग करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं हम. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. सो जिंक इल डिकम्पोज इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. ओके, समझ गए. सो दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ इन दी एब्सेंस ऑफ. ठीक है, कल मेथड पढ़ा था, आज तरीका करके देख ले रहे हैं. ठीक है, हमें देखो यहां पर भी जिंक मेटल ऑक्साइड मिल गया और यहां पर भी मेटल ऑक्साइड मिल गया. ठीक है, नाउ वी हैव टू व्हाट, रिड्यूस. क्या करना पड़ेगा इसको, रिडक्शन करना है. ठीक है, सो द मेटल विच आर वेरी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे बॉटम में होते हैं, वो रिड्यूस इट सेल्फ, अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, बट यहां हमें रिडक्शन करना पड़ेगा. रिडक्शन में हमने दो तरह से पढ़ा था, आइदर इन दी विद द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और या फिर पढ़ा था हमने सेकेंड पार्ट, ये ए कैपिटल ए लिख देता हूं मैं, ए में पढ़ा था कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, और बी पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम. ठीक है, तो पहले कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में देख लेते हैं. ठीक है, ओके, तो नाउ वी हैव व्हाट, जिंक ऑक्साइड. ठीक, वी हैव टू डू द रिडक्शन. ओके, वी हैव टू डू रिडक्शन. सो हियर वी हैव टू प्रोसेस इन विद कार्बन और विद कार्बन मोनो ऑक्साइड. ठीक है, समझ आ गई बात. तो इफ व्हेन जिंक ऑक्साइड रिड्यूस विद कार्बन, वी विल गेट Zn+CO. ठीक है, ये तो आपको मिल गया मेटल, आपका रिडक्शन हो गया. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड. ठीक है, बट व्हेन वी डू दिस प्रोसेस विद इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सो ZnO+CO, सो व्हाट विल हैपन, दिस CO2 विल कम टू CO2+Zn. ठीक है, तो फिर आपको ये मिल गया मेटल ऑक्साइड, मेटल, एंड हियर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू प्योर मेटल. ठीक है, नहीं प्योर नहीं, मेटल. प्योर तो करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे बाद में. ठीक है, अभी नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन. तो रिडक्शन ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ कार्बन और कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम. सो द बी वी व्हाट वी हैव स्टडीड, बी रिडक्शन बाई एल्यूमिनियम, दैट इज Al. ठीक है, रिडक्शन बाई एल्यूमिनियम. तो साहब कैसे हो गया, उस रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि देखो जिंक का हो गया ना रिडक्शन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, देखो दोनों ही से हो रहा है, कार्बन से भी हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हो रहा है. बट सम मेटल ऑक्साइड लाइक मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, किस किस की, मैग्नीज क्रोमियम, इनके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस किए जाते हैं एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में. ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मेटल MgMnO2, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एंड इट रिड्यूस टू Mn और बन जाएगा Al2O3. ठीक है, जैसे बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है. यहाँ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, सो व्हेन दिस हैपन, सो हियर इट इज, वी हैव टू एल्यूमिनियम इज हियर 4, हियर वी विल पुट 3,
and now we get 3 and here 2 aluminium oxide. Okay, and very large amount of heat is released. A large amount of heat is released. तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे अब. सो द प्रोसेस ऑफ, बहुत ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो डेफिनेशन बन जाएगी द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, का ही तो प्रोसेस है. तो किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड किसमें हो रही है, इनटू मेटल, ठीक है, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, ओके, इज कॉल्ड, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, देख लो, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम इज, बाय एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको, थर्माइट रिएक्शन. समझ आई बात. सो द क्वेश्चन में बी आस्क लाइक व्हाट डू यू मीन बाय थर्माइट रिएक्शन, देन यू विल गिव द आंसर लाइक कि द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इन द बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन. ठीक है, एक थर्माइट रिएक्शन है. अब एक वर्ड है थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन मतलब जैसा है इन द प्रेजेंस ऑफ, सेम है, बस वहां क्या हो रहा है, ये जो हीट निकल रही है इस हीट का यूज वेल्डिंग करने के काम आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखना क्या होगा, थर्माइट वेल्डिंग का एग्जाम्पल हो गया Fe2O3, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होगा इनटू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा और Al2O3, ठीक है, बैलेंस करेंगे Fe2, ये यहां पर 2 लग जाएगा, Al2O3 हो गया बैलेंस, और एक निकल रही है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यू टू दिस हीट, दिस आयरन मेल्ट, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड कैन जॉइन, मेल्ट एंड कैन जॉइन टू ब्रोकन पीस ऑफ आयरन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग. दोबारा सुन लो, समझ में आ रहा है, तो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं इन दी यू बाय द यूजर यूजिंग ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर. ठीक है, सिंपल सी बात है. थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है, जब हम आयरन मेटल ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस हीट इज यूज टू यू, दिस हीट मेल्ट्स द आयरन, मेल्ट कर देती है, और वो मेल्टिंग मोल्टन फॉर्म जो आयरन की है, लिक्विड फॉर्म है, वो किसी भी ब्रोकन पीस को, दो आयरन के पीस ब्रोकन है, वहां पर थर्माइट रिएक्ट वेल्डिंग करके उसको जोड़ा जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग, डन. ओके, नाउ हियर वी विल गो थ्रू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड स्टेप, हाई फॉर सी, हाई रिएक्टिव मेटल, highly reactive. ठीक है, तो हमने देखो अभी
कॉपर और मरकरी का एग्जाम्पल पढ़ा बेरिल लो के लिए, फिर हमने मॉडरेट का पढ़ा जिंक के लिए, फिर अब हमने हाई के लिए, हाईली रिएक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं। एंड द हाईली रिएक्टिव आर लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो मैनी आर देयर। तो दीज मेटल्स ये जो हैं, तो देखो अभी हमने अभी कुछ भी पढ़ रहे थे जो हम उसमें एक बार से रिकॉल करिए, आपने देखा होगा कि ओर को पहले हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड को, कोई भी ओर हो, चाहे कैल्सिनेशन करें, रोस्टिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन हम पहले उस ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, फिर वो मेटल ऑक्साइड टू बी कन्वर्ट इनटू मेटल बाई द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। बट दीज मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। ये इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं कि इनके ऑक्साइड से इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। समझ में आया बात? क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दीज हाई रिएक्टिव मेटल्स आर ग्रेटर, हैव ग्रेटर एफिनिटी, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी टू ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ एनी अदर। ओके समझ में आई? हाईली रिएक्टिव एंड वेरी देयर ऑक्साइड, जो इनकी ऑक्साइड्स होते हैं उससे इनको मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस नहीं किया जा सकता, रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो सर जब इनके मेटल ऑक्साइड के इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता तो कैसे निकालते होंगे इनको? तो हमने पढ़ा ही था, फॉर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वी विल परफॉर्म क्या, इलेक्ट्रोलिटिक, क्योंकि इनका ये वाला रिडक्शन नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ओके सो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फॉर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो उनके लिए क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए है। यहां क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में टू होते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एनोड, वन इज कॉल्ड कैथोड। ओके कैथोड इज एक्चुअली अ निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ओके एंड दिस एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। होगा कि एक्चुअली पॉजिटिव होता है टर्मिनल, तो यहां पर इसके चारों तरफ निगेटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं, और कैथोड कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। ओके तो इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाते हैं। ओके सो बीइंग मेटल, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो व्हेन इट डिकम्पोज, इट विल डिकम्पोज इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो Na पॉजिटिव आयन विल कलेक्ट हियर कैथोड, एंड द Cl नेगेटिव आयन विल कलेक्ट एट एथोड एनोड। ओके तो होगा क्या एक्चुअली, तो कैथोड पर रिएक्शन होगी, क्या होगी रिएक्शन, Na जो होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा, वाप रिड्यूस करेगा, अरे रिडक्शन, एंड विल कम टू Na। ओके और Cl एनोड पर क्या होगा, एट एनोड Cl, ये जो Cl है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देन इट विल Cl एटम, और ये क्या है Na एटम। ओके सो Cl Cl प्लस Cl जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे Cl2 गैस, ये भी Cl का गैस एटम है, गैसियस एटम है, तो दीज टू एटम विल कंबाइन टू फॉर्म Cl2 गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सो दिस इज कॉल्ड, इन दिस वे द सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑन कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस एनोड इज ऑन
क्लोरीन इज एक्सट्रैक्टेड ऑन एनोड, मतलब NaCl है तो Na जो है आपका कैथोड पर मिल जाएगा, कोई भी मेटल. सो समझ आएगी बात. सो लिबरेट एट दी कैथोड, कौन, कोई भी पॉजिटिव होता है मेटल. सो मेटल लिबरेट एट दी कैथोड वेयर दे गेन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड आर कन्वर्ट इनटू मेटल एटम्स. ओके, सो इन दैट वे वी कैन गेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब सबका एक्सट्रैक्शन हो गया, सारे मेटल्स मिल गए हमें. नाउ द थर्ड स्टेप द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर. इसके नाम में ही लिखा हुआ है इम्प्योर मेटल. इसका मतलब क्या होगा, हम इम्प्योर मेटल से ठीक है प्योर करेंगे. रिफाइनिंग इज सिंपली प्यूरिफिकेशन. ओके, सो दिस इज व्हाट नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट द प्यूरिफिकेशन. हियर यहां क्या होता है एक्चुअली, प्यूरिफिकेशन क्या होता है. हियर इज अ कंटेनर. ओके, सो द बैटरी इट इज टू बी कनेक्टेड विथ टू इलेक्ट्रोड्स. ओके डन. सो द इम्प्योर मेटल, मतलब जो इम्प्योर मेटल है उसका थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज टू बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज टू बी कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. अब देखो समझना, ये क्या है इम्प्योर मेटल, ठीक है, और ये एक्चुअली ये क्या है प्योर, थोड़ा सा लिया है हमने प्योर. ये पूरी जो स्ट्रिप है ये इम्प्योर है एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एनोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो एनोड, और ये क्या है कैथोड. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि वी हैव टू पुट द इम्प्योर पीस ऑफ मेटल ऑन एनोड एंड वी विल पुट वन स्मॉल स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इन टू एट कैथोड एंड इट इज टू बी फिल्ड विद द, इसको फिल्ड कर देंगे हम विद द सॉल्ट, मेटल सॉल्ट. ठीक है, अब अगर ये कॉपर है तो कॉपर सॉल्ट ही होगा दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट. किसका सॉल्ट, मेटल सॉल्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग द प्यूरिफिकेशन फॉर कॉपर Cu. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है. ठीक है, ये इम्प्योर एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान से, एनोड पर ये जो कॉपर है मेन कॉपर जो बड़ा वाला वो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा Cu2 पॉजिटिव में और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. वही कैथोड पर क्या होगा कि ये जो ये वाला यहां से कॉपर छूटेगा यहां, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक के थ्रू होते 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 इसके पास पहुंचेगा और इसके ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके. ठीक है, यहां से घटता जाएगा, यहां पे बढ़ता जाएगा, यहां घटता जाएगा, यहां बढ़ता जाएगा, तो जो प्योर प्योर कॉपर के पीस आयंस हैं वो तो कलेक्ट होते जाएंगे और जो इम्प्योरिटी है वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगी. इम्प्योरिटी यहां से गिर गिर के इधर कलेक्ट हो जाएगी और प्योर आयंस विल ट्रांसफर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट पहले इलेक्ट्रोलाइट में, फिर इलेक्ट्रोलाइट से एनोड कैथोड पर. ठीक है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, वही टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे एंड देन इट विल कन्वर्ट टू Cu और इट इज दिस प्योर. ये जो कैथोड पर हो रहा है कॉपर, दो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू एंड फिर देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्योर में. ये अभी इम्प्योर था, वहां से आयन छूट के गए,
और दो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन किया, चार्ज गेन किया और दोबारा से कन्वर्ट हो गए कॉपर मेटल में, प्योर में, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।